से अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020। लोकसभा में पेश होते ही पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल। अधिनियम सूत्र विधेयक कांग्रेस सदस्यों ने कृषि कानून वापसी बिल पर सदन में किया जमकर हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा की मांग की। कॉन्फिडेंस है, पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वेल में उतरे विपक्षी सांसदों से सीट पर जाने को कहा। बोले, सदन में जब व्यवस्था होगी तो होगी चर्चा। आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी लिया हिस्सा। टीएमसी सांसदों ने लोकसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। आज संसद पहुंचे पीएम मोदी ने जताई मंशा, संसद का शीतकालीन सत्र किसानों की समृद्धि वाला साबित हो। खुली चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सदन में देश हित पर हो बात। देश हित में चर्चाएं करें, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजें। पीएम मोदी ने जताई इच्छा, संसद में मुद्दों पर सवाल भी हो और शांति भी रहे, सदन की गरिमा का रखा जाए ख्याल। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा, नए वेरिएंट की खबरें बढ़ा रही हैं चिंता, सदन के सभी साथियों समेत देश के सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक जारी रखने की बात कही। देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन योजना का लाभ। पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना का कार्यकाल बढ़ाने के साथ इस पर 1,60,000 करोड़ खर्च के का हवाला दिया। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी विपक्ष ने कृषि कानून वापसी वाले बिल पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। राज्यसभा की बीएसई की बैठक में सरकार ने कहा, जब बिल ही वापस हो रहा है तो चर्चा कैसे, विपक्ष हुआ उत्तेजित। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने की विपक्षी दलों की बैठक, टीएमसी और आम आदमी पार्टी नेता कांग्रेस की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए। लोकसभा सभा से कृषि कानून वापसी का बिल पास होने पर बोले बीकेयू नेता राकेश टिकैत, किसानों की एक मांग पर मिली जीत। राकेश टिकैत ने कहा, बाकी मांगों पर जारी रहेगा किसान आंदोलन। ये सारी जगह पारित होगा, ये खत्म होगा, लेकिन दूसरे मामलों पर हम बातचीत करके सरकार से, उससे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। विदेशों में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से मचे हड़कंप के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा कोरोना संकट। एक वृद्धाश्रम में 67 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पड़घा गांव में बने मातोश्री वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 67 लोगों में से 62 बुजुर्ग, 5 स्टाफ मेंबर और उनके परिजन शामिल। वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को दी जा चुकी थी कोरोना की दोनों डोजेस। पॉजिटिव पाए जाने पर सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में फैली दहशत, वृंदावन में 3 विदेशी नागरिक पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं। वृंदावन की छाया कॉलोनी में रहने वाली रशियन मूल की एक विदेशी महिला पहले पाए गए कोरोना पॉजिटिव, महिला के संपर्क में आए फ्रांस और स्पेन से आए 2 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, प्रशासन हुआ सतर्क। 1 दिसंबर से लागू होंगी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस। संक्रमण प्रभावित देशों से आने वालों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा अनिवार्य। 12 ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की लिस्ट जारी। विदेशी यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर करनी होगी अपलोड। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 7 दिन क्वारंटीन, पॉजिटिव रिपोर्ट वालों की जीनोम सिक्वेंसिंग जरूरी। साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए मुंबई लौटा युवक निकला कोविड पॉजिटिव, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा सैंपल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ान पर रोक की मांग की, कहा पुरानी गलतियों से सीखे सरकार।
ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी अलर्ट, विदेशी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज की, यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी। एमपी में स्कूल को 50% क्षमता के साथ चलाने का फैसला, 1 दिसंबर को सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का होगा मॉक ड्रिल। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई कोरोना गाइडलाइन, सभी जिले के डीसी को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी। ऋषिकेश में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ड्यूटी के लिए आए 7 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, इनमें 2 पुलिस वाले। एक दिन में कोरोना के 8,300 से ज्यादा नए मामले, कल से 5% केसेस कम। 24 घंटे में कोरोना से 236 लोगों की मौत, केरल में 159 लोगों की गई जान। सबसे ज्यादा नए मामले अभी केरल में, 24 घंटे में 4300 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के सक्रिय मामले 1,03,000 से ज्यादा, 9,900 मरीज हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 42 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 122,41,00,000 लोगों का टीकाकरण। तेजी से फैल सकता है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट फाउची ने चेताया। दक्षिण अफ्रीका में और नहीं बढ़ेंगी कोरोना को लेकर पाबंदियां, दूसरे देशों से उड़ानों पर रोक खत्म करने की अपील। कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, वैक्सीन न लेने वालों के खिलाफ सख्ती का विरोध। दिल्ली में आज से फिर खुले स्कूल, बढ़ते प्रदूषण की वजह से बंद किया गया था, कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है सावधानी। दिल्ली समेत एनसीआर की आबोहवा आज भी खराब, राजधानी दिल्ली में आज 370 रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अखिलेश यादव का राजा भैया पर तंज, गठबंधन के सवाल पर बोले ये कौन है राजा भैया, सबको नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप, क्यों ले नाम ले रहे हो, ये कौन है ये? बलरामपुर की सभा में ओवैसी का योगी पर हमला, कहा बाबा गन्ने की नहीं जिन्ना की करते हैं बात। योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिकर, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिकर। देवरिया की सभा में सीएम योगी ने एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, 70 साल से सूखा रहा भाटपार रानी, लोगों से कबल खिलाने का आह्वान। यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, 2 किलोमीटर लंबे कोला पुल का बड़ा हिस्सा गिरा, सेतु निगम ने किया था पुल का निर्माण। जिस वक्त पुल का हिस्सा ढहा, पुल पर जारी था आवागमन, 5 सवारों के साथ पुल से जा रही कार भी हुई धराशायी, गनीमत रही किसी को चोट नहीं लगी। 11 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था पुल का निर्माण, बीएसपी सरकार में हुआ था पुल का उद्घाटन, योगी सरकार में ढहा पुल। और जाने में कितनी परेशानी होगी क्या बताया जाए, प्रशासन पता नहीं कब तक ये बना पाए, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगली बार से स्थिति बहुत काफी खराब हो गई, इस बार तो ये तो पूरी खत्म हो गई। जलालाबाद के कोला इलाके में पुल ढहने के बाद मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत, डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। बिहार में सासाराम में शराब की तलाशी में रेड, होटल से पुलिस को मिली शराब की खाली बोतलें। पटना में नहीं रुक रही है शराब की सप्लाई, होम डिलीवरी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में कोयला खदान में फंसे 4 मजदूर, 2 दिनों से नहीं निकले, राहत बचाव का काम जारी। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस सुरक्षा में निकली दलित दूल्हे की बारात, 2 दिन पहले हुई थी गांव में पत्थरबाजी। बंगाल की हुगली में टूटी परंपरा, महिला पुरोहित ने विधि विधान से कराई शादी। भारी बारिश से चेन्नई फिर लबालब, कई इलाकों में भरा पानी। पंचायत चुनाव से पहले हाजीपुर के महादलित टोले में लगे नो सड़क नो वोट के नारे, हरकत में आया प्रशासन। दुनिया की पावरफुल महिला में शामिल ओडिशा की आशा वर्कर मतिल्डा कुल्लू, फोर्ब्स इंडिया की मैगजीन में मिली जगह। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल में चला मॉक ड्रिल, सुरक्षा और चौकसी का लिया गया जायजा। थाने में मैरिज हॉल में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू।